चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहां पे कॉटन से। तो कॉटन की कीमतों में हमने ऊपरी स्तर से भारी बिकवाली आते हुए देखी थी। कॉटन की कीमतों में जब तेजी बनी थी, सबको यही लग रहा था कि जितनी तेजी आनी थी अब आ चुकी है कॉटन में, अब यहाँ से भारी गिरावट आएगी, भारी मुनाफा वसूली आएगी, जो कि हमने आते हुए भी देखी। लेकिन ज़्यादातर जानकारों का यही लग रहा था कि कॉटन की कीमतों में अब उतनी तेजी देखने को नहीं मिलेगी जितनी पहले देखने को मिली थी। मसलन कि 38,000 के लेवल फिर देखने को नहीं मिलेंगे, 36,000 तक सिमट के कॉटन रह जाएगी, ऐसा मानना था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में फिर से तेजी आई है, कॉटन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स कॉटन की बात करें तो कॉटन का मार्च वायदा 38,300 पर है और कॉटन का अप्रैल वायदा 38,730 पर, और 38,920 का हाई भी लग चुका है, 39,000 के बेहद करीब है। हल्की सी मुनाफा वसूली है, लेकिन कॉटन की कीमतों में जिस हिसाब से तेजी आई है, जानकारों को लग रहा है कि कॉटन अब यहाँ से और तेजी दिख रहेगी। अब कॉटन में जब नरमी आ गई थी तो अब तेजी आने के क्या कारण है उस पर नज़र डालते हैं। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिसकी वजह से उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं कॉटन की कीमतों पर पड़ता नज़र आ रहा है। अब कच्चे तेल में तेजी आना और कॉटन में क्या रिलेशन है, इसकी बात करते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका पॉलिस्टर हुआ, तो जब पॉलिस्टर की जो कीमतें होती हैं या जब पॉलिस्टर बनाने में कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है, और जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पॉलिस्टर की भी कीमतें बढ़ जाती हैं। और पॉलिस्टर एक फैब्रिक का ही पार्ट है, फैब्रिक की ही फैमिली से बिलोंग करता है, और कॉटन भी उसी फैमिली से बिलोंग करती है, सेम कैटेगरी है, तो उसका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं कॉटन की कीमतों को मिलता है। और कॉटन की जो फिजिकल मांग है, यानी कि जो भौतिक मांग है, मंडियों के अंदर काफ़ी अच्छी है, उत्पादन में कमी है, उत्पादन आंकड़े फिर से घटाए गए हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। हमने देखा था कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लगभग 2 बार से जो कॉटन उत्पादन का जो अनुमान था, कॉटन की गांठों का जो अनुमान था, वो घटा दिया है। लगभग 343.13 लाख गांठ के आसपास का उत्पादन का अनुमान आंका गया है अब कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। और जो माल ढुलाई है उसमें तेजी है। इस बार कॉटन की फसलें खराब भी होती हुई नज़र आई थी, जिसकी वजह से कॉटन की जो उत्पादन है इस बार कम देखा गया है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन की मांग है ठीक ठाक है, जिसकी वजह से हमने कॉटन में तेजी आती हुई देखी। तो कॉटन में ओवरऑल रुझान तेजी वाला ही रहने वाला है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, उनका मानना है कि कॉटन की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है, धीरे धीरे अब तेजी बनती नजर आ रही है। वहीं चाइना में भी कॉटन की स्टॉक करने की बातें कही जा रही हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो चाइना है कॉटन का स्टॉक कर रहा है, और जिसकी पॉलिस्टर भी क्रूड ऑयल तेज हुआ है, जिसकी वजह से पॉलिस्टर की कीमतों में तेजी आई है, उसका असर कॉटन में देखने को मिला है। तो इन सब की वजह से कॉटन की कीमतों में आगे अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। अजय केडिया के अनुसार लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉटन है 40,000 से लेकर 41,000 तक के स्तर दिखाती नजर आ सकती है, तो कॉटन में भी निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।